हेलो एवरीवन, सर्व नर्सरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में जिसका नाम है जूनिपर। इसको साइप्रस प्लांट के नाम पे भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉटिंग मिक्स के बारे में, सनलाइट के बारे में और वाटरिंग के बारे में, और मेन्यूर इसको क्या दें, फर्टिलाइज़र जो है वो क्या क्या उसको फर्टिलाइज़र दें और उसको कैसे खूबसूरत और खूबसूरत बनाएँ। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। जूनिपर प्लांट और साइप्रस प्लांट फुल केयर के बारे में जानने के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में। तो हम लोग पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएंगे इसका, तो पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हम लोग को, जैसे देखिएगा, इसमें जो है सॉइल जो है वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। तो वेल ड्रेन सॉइल का मतलब क्या होता है, आपको जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे से जो है, नीचे जो होल होगा वहाँ से आपको पानी ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। जब ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में ये आपको बताता हूँ। चलिए अब बात करते हैं ये पॉटिंग मिक्स के बारे में। पॉटिंग मिक्स जो है आपको सॉइल जो है आपको गार्डन सॉइल 40% गार्डन सॉइल जो है आपको 40% लेना है, और 30% जो है आप सैंड ले सकते हैं, बालू जिसको बजरी भी बोलते हैं, और आप 30% जो है वो कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट या फिर लीव मोल्ड, जो भी आपके पास प्रेजेंट है, आपके पास जो भी है आपके पास, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वाटरिंग के बारे में। तो वाटरिंग हम लोग को कैसे करना है, वाटरिंग जो है इस प्लांट को कम करना है। आपको देखना है कि जो इसके जो ऊपरी जो टॉप सॉइल जो है उसको आपको देखना है कि ड्राई हुआ है कि नहीं। अगर आपको इस सॉइल अगर ड्राई नहीं हुआ है तो पानी उसको नहीं देना है। आपको देखना है कि ये सॉइल, अब देखिए ये गीला है, देखिए सॉइल गीला है, तो अभी इसमें हम लोग को पानी नहीं देना है। जब वो पूरी तरह से सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तभी हम लोग को पानी देना है। कोई भी प्लांट हो, हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी प्लांट हो पानी देने का तरीका क्या होता है। ज़्यादातर प्लांट में जब टॉप सॉइल जब सूख जाती है तभी हम लोग को पानी देना है। अगर इस प्लांट को अगर पानी ज़्यादा देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि नीचे जो है वो ज़्यादा पानी हो जाएगा। अगर ये इसके रूट जो है वो अगर ख़राब हो गई तो ये बहुत जल्दी मर जाती है ये प्लांट। तो प्लांट ध्यान रखिए, पानी जो है आप देखिएगा, मिट्टी देखिए अभी ये हाथ में लगी हुई है, अगर ऐसे टाइप की है तो आप उसको पानी ना दें। और आप जब मिट्टी पकड़ेंगे और हाथ में आपको वो गीली मिट्टी ना लगे तो आप उसको पानी देना है। तो फ्रेंड्स, पानी मैं आपको बता दिया हूँ कि पानी किस तरह से देना है और कैसे देना है। तो हम लोग अब बात करते हैं सनलाइट के बारे में। चलिए दोस्तों फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सनलाइट। अब सनलाइट के बारे में बात करेंगे और लोकेशन के बारे में बात करेंगे, इसको कहाँ रखना है। तो सनलाइट जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके कौन से एरिया में आप रहते हैं। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी अगर होती है आपके एरिया में तो उसको क्या करेंगे, गर्मी में कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। जैसे अब ठंडी की गर्मी जो होती है, जैसे अक्टूबर के बाद, जैसे जनवरी फरवरी मार्च तक हम लोग जो गर्मी, जो सहन शक्ति गर्मी होती है, वो आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं। गर्मी में क्या कीजिएगा, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है खाली सनलाइट में रखिएगा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। जैसे बेलकनी के साइड में, जैसे मैंने जहाँ रखा है, देखिएगा यहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो बेलकनी में रखा हूँ, तो उस जगह में आप रख सकते हैं इसको। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ डायरेक्ट सनलाइट में कभी ना रखें। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये पूरा ब्राउन, इसका जो पत्ते हैं वो पूरा ब्राउन हो जाते हैं। अब लोकेशन जो है देखिएगा, अगर आप लोकेशन जो है, मैंने आपको बता दिया कि अगर सबसे बेस्ट जो होगा इनडायरेक्ट सनलाइट, जो जहाँ सनलाइट आती है, जैसे सुबह का सनलाइट या शाम का सनलाइट जो है वो अगर आती है तो उस जगह में आप रख सकते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट में आप नहीं रख सकते हैं, बहुत डिपेंड करेगा कि आप कौन से जगह में रहते हैं। सबसे बेस्ट इसको होगा कि जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट, जहाँ ब्राइट लाइट होती है वहाँ रखेंगे। इंडोर में आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि उसको सनलाइट थोड़ा बहुत उसको सनलाइट चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेन्यूर के बारे में। तो मेन्यूर जो है, इसको फर्टिलाइज़र जो है, मेन्यूर जो है आप काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा नहीं देना है,
आपको 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। जैसे मैंने ये प्लांट देखे, मैंने अभी तक एक बार भी मैं इसमें मैन्योर ऐड नहीं किया हूँ, लेकिन ये प्लांट मोटा मोटी कम से कम 9 से 12 महीने का प्लांट है, तो इसमें कभी मैंने मैन्योर अभी तक ऐड नहीं किया। लेकिन हाँ, पोटिंग मिक्स में मैंने ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट और आपका गोबर खाद दोनों मिक्स करके गार्डन सॉइल करके दिया है। मैंने यहाँ बालू जो है, बालू मिक्स नहीं किया है, तो बालू भी मिक्स करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ, जो वाटर जो है, पानी जो है वो होल्ड करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए बालू मिक्स किया जाता है। अगर बालू मिक्स भी नहीं करेंगे तो ये प्लांट जो है बहुत बढ़िया ग्रो होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब आपको इस प्लांट को नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट, नाइट्रोजन रिच मेन्योर ज़रूरी है। तो क्योंकि इस प्लांट में देखिएगा, ना फल होता है ना फूल होता है, तो इसमें देखिएगा पत्ते वाला प्लांट है, तो पत्ते वाला प्लांट में हमेशा याद रखिएगा कि आपको नाइट्रोजन रिच मेन्योर आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग क्या देंगे, जैसे मैंने आपको पॉटिंग मिक्स में बता दिया था कि क्या आपको देना है। और प्रोपोगेशन की अगर बात करेंगे तो प्रोपोगेशन जो है वो स्टेम कटिंग से आराम से हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेशन का जो वीडियो है, मैं खाली प्रोपोगेशन के वीडियो में अगले वीडियो में आपके सामने लाने वाला हूँ, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रोपोगेशन के प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में नहीं दिखा। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रोपोगेशन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिला है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी इक्वायरी है आपका तो आप कमेंट इस प्लान के बारे में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।